बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात होती है कि दुबई सिटी है या मुल्क। दरअसल दुबई मुल्क नहीं बल्कि एक सिटी है। क्या आप जानते हैं सात अमारात से अरब मुल्क बना है, जिसको यूनाइटेड अरब अमारात और यूएई भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं वो सात अमारात कौन सा है जिनसे मिलकर अरब मुल्क बना है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, जिनका नाम अबू धाबी, अजमान, दुबई, फजीरा, रसुल खैमा, शारजा और उम्मुल कबीन है। 1971 से पहले इस रियासत को हाई साले मुतसाले के नाम से जाना जाता था। 2 दिसंबर 1971 को बरतानिया से बाकायदा आज़ादी हासिल करने के बाद ये मुल्क यूनाइटेड अरब अमारात के नाम से जाना जाने लगा। अबू धाबी यूएई की कैपिटल सिटी है, जबकि दुबई अजीम तरीन शहर होने के साथ साथ दुनिया का एक मसरूफ तरीन और कारोबारी शहर शुमार होता है। और आज की इस वीडियो में हम इसी शहर की सैर करने वाले हैं और इसके साथ साथ इस शहर के बारे में कुछ दिलचस्प और अजीब बातों का जिक्र करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पैगाम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दुबई एरिया के हिसाब से यूनाइटेड अरब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इस शहर का कुल एरिया 4,114 किलोमीटर है। 2019 के एक रिपोर्ट के हिसाब से दुबई की कुल आबादी 33,29,954 के आसपास है, जिनमें से ज़्यादातर लोग दूसरे मुल्क के हैं। दूसरे मुल्क में से सबसे ज़्यादा तादाद इंडिया की है, जो दुबई के कुल आबादी का 45% है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी हैं, जिनकी तादाद 25% है, 21% के करीब अरबी लोग, और जबकि बाकी बांग्लादेशी, फिलिपाइनी, श्रीलंकन और अमेरिकी मौजूद है। अगर हम दुबई की तारीख की बात करें तो ये शहर 1833 में मखदूम ख़ानदान के सरबराही में बनियास कबीलों के 800 लोगों ने आबाद किया। शुरू में यहाँ के लोग मछलियों के कारोबार करके अपने गुजर बसर करते थे, लेकिन बाद में यहाँ हीरे, कीमती मोतियों की तिजारत होने लगी। धीरे धीरे यहाँ पर दुकानें बनने लगी, जिनकी तादाद 300 से ज़्यादा हो गई। 1930 में दुबई की आबादी 20,000 के करीब थी, जिनमें से एक चौथाई लोग ऐसे थे जो दूसरे मुल्क के थे। 1950 अरसे के बाद दुबई बंदरगाह समंदरी गद और कीचड़ से भरने लगी, जिसे मरहूम शेख रशीद बिन साइद अल मक्तूम के हुक्म पर साफ और बड़ा करने का काम शुरू हुआ। इसके बाद दुबई बंदरगाह सबसे बड़ी तिजारत बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल होने लगी। इस बंदरगाह ने दुबई को एक मसरूफ तरीन तिजारती मरकज बना दिया। जब इन सात अमारात ने एकजुट होकर इस जगह को एक अरब अमारात बनाया, इनके एकजुट होने का मकसद इस जगह को अमन और इस जगह की तरक्की थी, जो कि दुबई के पहले सदर शेख जैद की दौरे हुकूमत में ही मुमकिन हो गया था। शेख जैद के दौर में दुबई ने सबसे ज़्यादा तरक्की की। शेख जैद के दौर में फीकस GDP 17,000 अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा पार कर चुका था। 1994 में तेल निकलने के बाद इस जगह का बुनियादी ढांचा ही बदल गया और तेल की आमदनी को तमीरानों पर खर्च किया जाने लगा। इस अमल ने दुबई को मजीद कारोबारी और खूबसूरत बना दिया। दुबई के बारे में अगर दिलचस्प बातों की बात की जाए तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का 10 बड़ी एयरपोर्टों में शुमार होता है और ये दुनिया के 10 बिजी एयरपोर्ट में से तीसरे नंबर पर आता है, जिस पर 2016 में दुबई के सरकार के एक रिपोर्ट के तरफ से 8,36,54,250 मुसाफिरों ने सफ़र किया था। दुबई का बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे बड़ा टावर होने का इजाज़ रखता है।
यही एक चीज़ है जो टूरिस्ट को दुबई खींच लाते हैं। 2016 में 1.5 करोड़ लोगों ने दुबई विजिट किया। बुर्ज खलीफा, जिसकी लंबाई 828 मीटर है और इसकी टोटल 162 मंजिलें हैं और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मंजिलों वाला इमारत है। बुर्ज खलीफा में दुनिया के सबसे तेज तर लिफ्ट लगाया गया है, जो 18 मीटर फी सेकंड के रफ्तार से चलती है। बुर्ज खलीफा के बाद दुबई का बुर्ज अल अरब होटल, जो कि एक मसनू जजीरे पर कायम किया गया, दुबई के मायशात में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इस होटल को दुनिया का पहला 7 स्टार होटल होने का खिताब हासिल है। ये होटल दुनिया के महंगे तरीन होटलों में शुमार होता है। यहाँ पर एक रात का खर्चा 1000 से लेकर 15000 अमेरिकी डॉलर तक आता है। मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जिन्हें शेख मोहम्मद नाम से भी जाना जाता है, मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और दुबई के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं। अरबी यहाँ की कौमी ज़ुबान है, लेकिन अरबी से ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी, उर्दू, पश्तो, सिंधी, बंगाली और दीगर ज़ुबानें एक बड़ी तादाद में बोली जाती हैं। दुबई एक इस्लामिक रियासत है, लेकिन यहाँ दूसरे मजहब का भी एहतराम किया जाता है। हर किसी को अपनी इबादत करने का मुकम्मल हक हासिल है। चाइना दुबई की मार्केट में तिजारत करने के हवाले से पहले नंबर पर आता है, जबकि इंडिया, अमेरिका और दूसरे मुल्क चाइना से बहुत पीछे हैं। अगर हम यूं कहें कि दुबई ही चाइना के तरक्की का एक बड़ी वजह है, तो ये कहना भी गलत ना होगा। दुबई में रोज़ाना तकरीबन 4000 टैक्सियाँ लाखों मुसाफिरों को सफ़र कराती है। दुबई में अगर गुलाबी रंग की छातों वाली टैक्सी नज़र आए, तो आप समझ जाइए कि इसमें मौजूद ड्राइवर औरत होगी। ये सर्विस औरतों के लिए शुरू किया गया है, जो कि मर्द ड्राइवरों के साथ सफ़र करना पसंद नहीं करती। दुनिया का 10 बुलंद तरीन होटलों में से 7 होटल दुबई में ही मौजूद है। दुबई में मौजूद दुबई मॉल के नाम का शॉपिंग मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। यहाँ पर आपको दुनिया का हर ब्रांड आसानी से मिल जाएंगे। दुबई की करेंसी को अमरती दिरहम कहा जाता है, जो एक दिरहम हमारे भारत के 19.49 रुपया होता है। दुबई टाइम के हिसाब से भारत से 1.5 घंटा पीछे है। दुबई में ख़ास और तयशुदा जगह के अलावा पिगमेंट के बनाने और फरोख्त करने पर सख्त पाबंदी है। शोरमा दुबई में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आइटम है। दुबई पुलिस को तेज़ रफ्तार गाड़ियों पर सवार मुजरिमों को पकड़ने के लिए लेम्बरगिनी और फरारी जैसी महंगी तरीन गाड़ियाँ दी जाती है। दुबई में किसी भी कंपनी या किसी भी तरह का कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। दुबई सोने और हीरो की खरीदो फरोख्त की दुनिया की सबसे बड़ी दुकानों का हमल मुल्क है। दुबई को बुलंदों वाला इमारतों का शहर भी कहा जाता है। ये नज़ारा आप दुबई में जाकर ही सही तरीके से देख सकते हैं। दुबई में सख्त कानून की वजह से क्राइम ना होने के बराबर है। यही वजह है कि गैर मुल्की दुबई को अपने लिए सेफ जगह समझते हैं। दुबई के बारे में बहुत सी मालूमात ऐसी है जो हम एक वीडियो में आप लोगों को नहीं बता सकते हैं। बहुत सी अहम बातें जो हम दुबई पर बनाई जाने वाली अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।